हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी दाल। खट्टी मीठी दाल बनाने के लिए हमने ये हाफ कप तुअर दाल ली है, दो हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, एक टीस्पून हमने जिंजर पेस्ट लिया है, एक टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा हमें धनिया पत्ती लगेगी, 3 टेबलस्पून हमने जैगरी लिया है गुड़, 3 टेबलस्पून हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया है खोबरा, ये हाफ टी स्पून हमने धनिया पाउडर ली है, हाफ टी स्पून राई है, 1/4 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर लगेगी, 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, 3 हमने इमली के पीसेस लिए हैं, थोड़ा सा हमें हींग लगेगा और ये दाल हम घी में बनाने वाले हैं और उसको बनाने के लिए हमें पानी लगेगा। तो आइए खट्टी मीठी दाल बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, खट्टी मीठी दाल बनाने के लिए पहले हम तुअर दाल को बॉईल करके लेते हैं। ये हमने हाफ कप तुअर दाल ली है, इसमें हम उसके डबल पानी डालेंगे। पानी में ही हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। ये डाल के अच्छे से मिक्स करके लेंगे सभी चीज़ें। 3 विसल आने तक हम दाल को बॉईल करके लेंगे। मैं गैस का फ्लेम ऑन कर लेती हूँ और कुकर का ढक्कन लगा लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, अभी हम मसाला बना लेते हैं। ये जो हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया है ये मिक्सी में डाल लेते हैं। इसमें हम ये जिंजर पेस्ट डालेंगे, गार्लिक पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती लेंगे और इन सभी चीजों को मिक्सी में बारीक पीस के लेंगे। आइए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम ऑन करके हमने उसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है। घी गर्म होने के बाद उसमें हम राई डालेंगे। घी गरम हो चुका है, इसमें हमने राई डाल ली है। राई को थोड़ा सा चटकने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा और हींग डालेंगे, हमने दाल बॉईल करते हुए भी हींग डाला था। अभी हम इसमें जो मसाला हमने मिक्सी के जार में बारीक करके लिया था पीस करके, वो डालेंगे। इसे हमने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है, एकदम बारीक नहीं किया है। ये 2-3 मिनट के लिए हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है घी में। अभी हम इसमें ये धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ये रेड चिली पाउडर है, ये ऐड करेंगे। दोनों चीजें डाल के हम इसे 1-30 सेकंड के लिए भून लेंगे, फिर इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को जब हमने उबाला था तब हमने इसमें हल्दी पाउडर और हींग डाला था, अभी ये दाल हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम नमक डालेंगे,
पानी डाल देंगे। पानी हम हमारे चॉइस के अनुसार, जैसे हमें ठीक थीन लग रही है दाल उस हिसाब से डालेंगे। मैं मीडियम कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ। दाल को एक उबाल आने देंगे। दाल को उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें ये 3 टेबलस्पून हमने जैगरी लिया है गुड़, वो डालेंगे। आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप गुड़ को डालिए। ये इमली है जो मैंने 3 पीसेस लिए है, और खट्टा बनाने के लिए इमली के साथ साथ हम 2 टमाटर इसमें ऐड करेंगे। साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और अभी दाल को हम 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। आइए फ्रेंड, 10 मिनट के लिए हमने इसे उबाल लिया है। हमारी खट्टी मीठी दाल बनके तैयार हो चुकी है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डालेंगे। ये जो दाल है वो आप राइस या पराठे के साथ खा सकते हो। ये हमारी दाल बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।